हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमने सीरीज स्टार्ट की थी यूपीएससी ईएफपीओ जो इंडियन इकोनॉमिक है उसके बारे में हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो टॉपिक डिस्कस कर रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए, एग्जाम के अंदर आपको ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है उद्योग, उद्योग के बारे में अब हम आज है ना इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको देंगे। तो टॉपिक वाइज हम जो लेसन वाइज जो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो जो आज का हमारा जो उद्योग का टॉपिक है, उद्योग से संबंधित कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो आज का लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। उद्योग के अंदर जो चौथी औद्योगिक क्रांति है उसके बारे में देखते हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति है उसके बारे में क्या क्या किया गया है और सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो चौथी औद्योगिक क्रांति के अंदर उद्योग 4.0 में मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता मौजूद है। तो जो औद्योगिक क्रांति है 4.0 इसके अंदर जो मानव के अंदर वर्तमान स्थिति और भविष्य के अंदर जो बदलाव आएगा वो चौथी औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनका विकास होगा वर्तमान के अंदर और भविष्य में भी जो नए नए उपकरण हैं वो औद्योगिक क्रांति के तहत बनाए जाएंगे, तो मानव जीवन पर ये बहुत ही प्रभाव डालेंगे। अब चौथी औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और बिग डाटा जैसे उभरते क्षेत्र भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं तथा नागरिकों को जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो वर्तमान के अंदर हम देखते हैं कि जो रोबोट बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया जा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो ब्लॉकचेन है, जो आर्टिफिशियल जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है और सारा जो जितना भी कार्य हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है और जितना भी लेन देन होता है, तो इसी के तहत जो औद्योगिक क्रांति है वो हमारे देश के अंदर भी इसका विकास होगा, जिससे जो देश है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और नागरिकों का जो जीवन है, जीवन शैली है वो बेहतर हो जाएगी। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो चौथी औद्योगिक क्रांति है इसमें इस प्रकार के जो अलग अलग प्रयत्न हैं वो देखने को मिलेंगे। यह भारत के लिए न सिर्फ एक औद्योगिक परिवर्तन है बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। उद्योग 4.0 में भारत में अपरिवर्तनीय रचनात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। इससे भारत में कामों में आवश्यक तेजी आएगी और कामकाज बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। तो भारत के अंदर ये सिर्फ औद्योगिक परिवर्तन ही नहीं है, ये समाज के अंदर भी परिवर्तन लाएगा, जिससे जो समाज के अंदर जो परिवर्तन होगा, जो समाज का ढांचा है, रचनात्मक बदलाव आएगा और भारत के अंदर जो उद्योग है उसके अंदर वृद्धि होगी और अलग अलग प्रकार के जो नए नए कार्य हैं उनका सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अभियान ने डेटा को भारत के गांवों तक पहुंचाया है। निकट भविष्य में संचार सघनता, इंटरनेट कवरेज और मोबाइल इंटरनेट सुविधा लेने वालों को तादाद बहुत बढ़ने की संभावना है। तो भारत के अंदर जो डिजिटल इंडिया अभियान है उसके तहत हर गांव तक जो वाईफाई है, जो इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, उसकी सुविधा है वो गवर्नमेंट ने पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसे हर इंसान, हर व्यक्ति तक है जो मोबाइल इंटरनेट की सुविधा है वो मिल सके, जिससे गांव के लोग भी जो देश के अंदर जो कार्य हो रहा है उसके अंदर उसके बारे में जानकारी ले सके। और मोबाइल इंटरनेट सुविधा ये सभी जगह इतनी फैल गई है, जिससे जो भारत के अंदर जो डिजिटल इंडिया अभियान है उसके तहत जो संचार के क्षेत्र में और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में जो डिजिटल है उनके संबंधित जो कार्य हैं उनके अंदर बहुत ही जो बदलाव है वो देखने को मिला है और आगे भी इसकी जो बढ़ने की संभावना है वो बहुत ही अधिक है। और ये एक औद्योगिक क्रांति है जो डिजिटल इंडिया है, जिससे आगे कई कई जो कार्य हैं उनका सृजन किया जाएगा तथा नए नए रोजगारों का उत्पन्न होगा, तो और जो समाज की जो जीवन शैली है उसको अलग ढंग से ये पेश करेगा। दूरसंचार के क्षेत्र में 93% की वृद्धि हुई है और लगभग 50 करोड़ भारतीयों के पास अब मोबाइल फ़ोन है। तो जब से डिजिटल
इंडिया मिशन है उसकी शुरुआत की गई, तो जो दूरसंचार के क्षेत्र है इसके अंदर 93% की वृद्धि हुई है और लगभग 50 करोड़ भारतीयों के पास अब मोबाइल फोन है। आगे देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक मोबाइल डेटा खपत भारत के अंदर होता है और भारत में भारत एक ऐसा देश है जहां डेटा बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध है। इस संदर्भ में भारत की डिजिटल अवसंरचना और आधार, UPI, ई-नेम तथा GeM सहित उसके इंटरफेस की प्रमुख भूमिका है। तो भारत के अंदर इतना डाटा यूज किया जाता है कि विश्व में हम जो भारत है वो टॉप पे है, सबसे ज़्यादा डाटा यूज भारत के अंदर किया जाता है और भारत के अंदर जो डाटा है इंटरनेट डाटा वो सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध होता है। जो डाटा डिजिटल इंडिया के तहत जो आधार है, UPI है, नेम है, ई नेम है, GeM है, इंटरफेस आदि का भी जो प्रमुख उपयोग है, प्रमुख रूप से उपयोग है भारत के अंदर डिजिटल इंडिया के तहत किया जाने लगा है। आगे देखते हैं ऑप्टिक फाइबर के साथ सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। जो ऑप्टिक फाइबर है उसके तहत जो गांव के अंदर है वो ब्रॉडबैंड जोड़ने की तथा वहां पर जो लाइनें बिछाई गई है जिससे जो ग्रामों तक हर प्रत्येक गांव के अंदर जो डिजिटल इंडिया है वो पहुँच सके और हर गाँव को जो इंटरनेट है वो उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है 2047 में केवल 59 ग्राम पंचायतें ऑप्टिक फाइबर SD जुड़ी हुई थी जबकि वर्तमान यह संख्या 1 लाख से अधिक पहुंच गई है। तो 1947 में केवल 2007 के अंदर केवल 59 ग्राम पंचायतें ऑप्टिक फाइबर SD जुड़ी हुई थी जबकि वर्तमान संख्या 1 लाख से अधिक पहुंच गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अनुसंधान के लिए कुछ महीने पूर्व तक मजबूत एवं संरचना बनाने के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए केंद्र सर IS प्रक्रिया को बल मिलेगा, केंद्र स्तर पर IS प्रक्रिया है उसको बल मिलेगा। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको हर क्षेत्र के अंदर लागू किया जा रहा है और जो गवर्नमेंट है उस पर एक रणनीति तैयार कर रही है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके अंदर भी इस बात पर बल दिया गया है। अगर ये क्षेत्र केंद्र काम करती है तो जो देश की संरचना है वो चेंज हो जाएगी और इसकी जो स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी। 4.0 और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार से स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुधार होगा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी कम होगा। इससे किसानों को मदद मिलेगी और यह कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी सहायक होगा। तो जो औद्योगिक क्रांति है, चौथी औद्योगिक क्रांति, इसके तहत जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका विस्तार होगा और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने नई नई टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। किसानों के लिए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग कार्य किया जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा जिससे वो किसान हैं वो खेतों के अंदर कम मेहनत से अधिक पैदावार है वो कर सकेंगे। यातायात और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में यह केंद्र अहम भूमिका निभा सकता है। तो जो चौथी औद्योगिक क्रांति है उसके तहत जो डिजिटल है इंडिया है उसके अभियान के तहत इंटरनेट आदि जो क्षेत्र है यह यातायात तो स्मार्ट मोबिलिटी क्षेत्रों में भी जो बहुत भूमिका है वो निभा सकता है। सिकल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया और अटल नवाचार अभियान जैसे सरकार की पहले युवाओं को नई और उभरती प्रौद्योगिकी के लिए तैयार की गई। तो जो सरकार है वो नए नए जो योजनाएं हैं वो ला रही है जिससे जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बने, प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना स्वरोजगार हैं वो खोले तथा जो टेक्नोलॉजी है उनके बारे में सीखे। इसलिए जो सरकार है वो अभियान ला कर जो युवाओं के अंदर है वो सीखने की क्षमता है वो डेवलप कर रही है, उन्हें जो प्रशिक्षण दे रही है उन्हें लर्निंग की और प्रैक्टिकल की ओर प्रोत्साहित कर रही है जिससे वो इनोवेशन है उसके अंदर अपना योगदान है वो दे सके। अब देखते हैं चतुर्थ औद्योगिक क्रांति या उद्योग 4.0। पहला औद्योगिक क्रांति जल व भाप की शक्ति से हुई। तो जो पहली औद्योगिक क्रांति थी उसके अंदर जल व भाप का उपयोग है वो किया गया। दूसरी औद्योगिक क्रांति के अंदर विद्युत ऊर्जा से ये संबंधित है और तीसरी क्रांति जो वर्तमान में चल रही है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जनित है। और चौथी क्रांति औद्योगिक क्रांति है उसका निर्माण किया जा रहा है कि उद्योग 4.0 विश्व आर्थिक फोरम की 506 में आयोजित वार्षिक बैठक की थीम थी जिसके बाद चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का विचार तेजी से प्रसिद्ध हो गया।
तो जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, इसकी जो थीम है, ये विश्व औद्योगिक फोरम की जो 506वीं बैठक थी उसके अंदर इसको लाया गया था। उसके बाद से इसका जो विचार है ये तेज़ी से प्रसिद्ध हो गया। जो उद्योग 4.0 विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है और इसे अगली औद्योगिक क्रांति कहा जाता रहा है। यह मुख्यतः इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बाधा रहित कनेक्टिविटी, तीव्र गति वाली संचार तकनीकियां और 3D प्रिंटिंग जैसे अनुप्रयोगों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अधिक डिजिटलीकरण तथा उत्पादों, वैल्यू चेन, व्यापार मॉडल को एक दूसरे के से अधिकाधिक जोड़ने की परिकल्पना है वो की गई है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो चतुर्थ औद्योगिक क्रांति है उद्योग से संबंधित ये आज का लेसन। आपको ये आज का लेसन कैसा लगा आप कमेंट जरूर बताएं। आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कीजिए। अन अकेडमी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इसकी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बच्चों तक पहुँचाइए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।